टीवी का मशहूर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। हाल ही में जॉन अब्राहम भी दिव्या खुसला के साथ फिल्म सत्यमेव जयते 2 के प्रमोशन के लिए केबीसी में पहुंचे थे। इस दौरान जॉन और अमिताभ के बीच काफी दिलचस्प बातें भी हुई। जॉन ने अमिताभ बच्चन को बताया कि कॉलेज के दिनों में उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो ताइक्वांडो का अभ्यास किया करते थे। ज्यादा पैसे कमाने के लिए जॉन थाईलैंड गए थे और एक बॉक्सिंग मैच के दौरान एक बॉक्सर ने उनकी छाती पर ऐसा वार किया था कि छाती ही फट गई थी। जॉन की बातें सुन अमिताभ बच्चन दंग रह गए। बेटे आर्यन के ड्रग केस में फंसने के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान फैंस और मीडिया की नजरों से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि आर्यन को जमानत मिलने के बाद और कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने की बात कहने के बाद अब वे जल्द ही बड़े इवेंट में शामिल होंगे। खबरों की माने तो शाहरुख दिसंबर में विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी में शामिल होने राजस्थान पहुंचेंगे। बिग बॉस विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को 2 महीने हो गए हैं। उनके जाने के बाद ये खबर सामने आई है कि वे एक रैपर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मौत से महीनों पहले एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड किया था। इस गाने को उनका परिवार उनकी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 12 दिसंबर को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहा है। भारत की ऐतिहासिक जीत पर बनी फिल्म दरासी का टीजर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में रणवीर सिंह उस समय के कप्तान कपिल देव का किरदार निभाते नजर आएंगे। लंबे इंतजार के बाद सामने आए कबीर खान की फिल्म दरासी के टीजर में रणवीर सिंह की भूमिका लोगों को काफी प्रभावित कर रही है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।